हे एवरीवन, तो आज हम ड्रॉ करने वाले हैं कृति सूर्या मैम को, जिसके रेफरेंस आप देख पा रहे होंगे। मैंने ग्रिड रेफरेंस से अप्लाई कर दी है और HB पेंसिल के हेल्प से मैंने पेपर पर भी ग्रिड ऑलरेडी ड्रॉ कर दी है। आपको क्लियर नहीं दिख पा रही होगी क्योंकि लाइट पेंसिल है, डार्क पेंसिल से मैंने ड्रॉ नहीं की ताकि इरेज करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे ग्रिड में आउटलाइन ड्रॉ करने की प्रोसेस को। सिंपल, हम पूरे रेफरेंस पे फोकस ना करके एक पर्टिकुलर बॉक्स या स्क्वायर शेप की बॉक्स को बोल सकते हैं। आप देख पा रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पे मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ हेयर के साइड की लाइन एक पर्टिकुलर शेप में। रेफरेंस में भी आप मैच कर सकते हैं। इसी प्रोसेस को हेल्प में लेके मैं पूरे आउटलाइन को कंप्लीट करूँगा। फाइनली रियल टाइम को देखते हुए चलें तो लगभग 30 मिनट लग चुके हैं इस आउटलाइन को कंप्लीट करने में। आउटलाइन कंप्लीट होने के बाद अब टर्म आती है हेयर सेट करने की। तो फर्स्ट आप हेयर के डायरेक्शन में पेंसिल को अच्छे से प्रॉपर वे से मूव करेंगे, जैसे आपने वीडियो में देख रहा मैंने कैसे एक डायरेक्शन में पेंसिल को मूव करके हेयर की आउटलाइन बेस तैयार करके फिर सेट कर रहा हूँ। डार्क, जो डार्क जहाँ पे डार्क है उसको अच्छे से डार्क करके सेट कर रहा हूँ। तो इसी प्रोसेस को मैंने फॉलो करके आगे की जितने भी हेयर है कंप्लीट हेयर की शेडिंग की है। साथ ही साथ मैंने चाकू पाउडर का भी यूज किया है, उसको मैंने अलग से बाई नहीं की, कटर शार्पनर से अच्छे से शार्प करके उसी में से चाकू पेंसिल से ही चाकू पाउडर को निकाला है। चारकोल पाउडर से होता क्या है कि हमारे पेपर अच्छे से उसे ऑब्जर्व कर पाती है, छोटे छोटे पार्ट में भी ऑब्जर्व कर पाती है और अच्छे से डार्क फिनिश लाती है, डिटेल डार्क फिनिश लाती है। आप देख सकते हैं हेयर में मैंने जहाँ जहाँ चारकोल पाउडर का यूज किया कितनी डार्क फ्रेश क्लियर फिनिश दिख रही है। और साथ ही मोनोजूरी रिजर से हाईलाइट किया मैंने हेयर की डायरेक्शन को। फिलहाल मैं तो आई ड्रॉ कर रहा हूँ, रीजन ये है पूरे हेयर ना कंप्लीट करने की, चारकोल पेंसिल बहुत ज़्यादा फैलती है तो इसकी वजह से हाथों पे लगने की वजह से पेपर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। इस रीजन से एक पर्टिकुलर वे से मैं चल रहा हूँ, मैं राइट हैंड से ड्रॉ करता हूँ, इस वजह से लेफ्ट साइड से मैं ड्रॉइंग स्टार्ट किया। अगर लेफ्ट हैंड से आप ड्रॉ करते हैं तो राइट हैंड से चाकू से ड्रॉइंग स्टार्ट करें, ताकि जो हैंड की निचली पोर्शन है उसमें चाकू ना सटे और पेपर गंदी ना हो, नहीं तो बार बार इरेज करना पड़ जाता है। आप देख पा रहे होंगे मैं इजी वे से आईज ड्रॉ कर रहा हूँ प्रॉपर वे में, एक एक डिटेल देके और अच्छे से ब्रश के हेल्प से ब्लेंड करके रियलिस्टिक फिनिश दे रहा हूँ। चारकोल पेंसिल से ड्रॉ करना थोड़ी क्या बोलते हैं शेड करना थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि अच्छे से पेपर ऑब्जर्व नहीं कर पाती, एक डॉट डॉट सा टाइप का बन जाता है, इसलिए मैंने चारकोल पाउडर का यूज करना बेहतर समझा। आगे आप देख सकते हैं सेकेंड आईब्रो में ड्रॉ कर रहा हूँ। अगेन आप देख पाएंगे ग्रेफाइट पाउडर का यूज करते हुए मेरे को, आप देख पा रहे होंगे मैंने शार्पनर से ग्रेफाइट पाउडर निकाला और अच्छे से ब्लेंड कर रहा हूँ ब्रश के हेल्प से। यहाँ पे थोड़ी वीडियो धीरे कर दी है ताकि आप क्लियरली देख पाए। यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज इसे ड्राइंग को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए ड्राइंग को यहीं पे फिनिश करते हैं इस आइज को ड्रॉ करते के साथ साथ। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें और साथ ही साथ मेरी दूसरी वीडियो भी आप देख पाएंगे इंडिया स्क्रीन में होगी या कार्ट में आप ऊपर देख सकते हैं या मेरे चैनल पेज पे जा सकते हैं वहाँ पे देखने के लिए। YouTube अपडेट के लिए आप मेरे को Instagram पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पुराने आर्टवर्क को देख भी सकते हैं उसी Instagram अकाउंट पे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो जल्दी, थैंक यू सो मच।